ये बता दे कि लड़के ज्यादा बेवफा होते हैं लड़कियाँ? बताओ, लड़के बेवफा होते हैं लड़कियाँ बेवफा होती? ये तो ये बता दीजिए, फैशन डिजाइन के जो लड़के होते हैं, इनकी आदतें लड़कियों जैसे क्यों हो जाती है? कभी जर्द सी कभी दर्द सी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक टू वकील वेब, और आज हम अगेन मौजूद है स्टूडेंट के दरमियान, और आज इनसे अगेन क्वेश्चंस करेंगे, मजे मजे के क्वेश्चंस करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह अच्छा। उसामा शेर अगेन हमारे साथ मौजूद है, वन ऑफ द फनीएस्ट गाय एट द यूनिवर्सिटी। वो कौन सा चीज है जो एक दफा देख सकते दूसरी दफा नहीं? गुजरा हुआ कल। फैशन डिजाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं लड़के होते हैं, ये लड़कियों जैसे हरकतें क्यों शुरू? थोड़ा सा एक्टिंग करो ना, ये जो फैशन वाले हमारे। अब फैशन वाले तो माशाल्लाह ऐसे करते हैं वैसे करते हैं यार वैसे। योर नेम? रोमान। रोमान, डिग्री? आईआर। आईआर, वो क्या चीज है जो एक दफा देख सकते हो दूसरी दफा नहीं? लाइफ में एक दफा देख सकते हैं? हां, एक इंसान ना, मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता, अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन इंसान मरता नहीं है उसको देखने के बाद। हाँ, इंसान मरता नहीं है, क्या हो सकता है ऐसा? एक दफा देख सकते हैं फिर नहीं देख सकते। कोई इंसान ही है या कोई मतलब चीज है जिसको आप एक दफा देख सकते हो? हाँ चीज है यार, हर खत्म होने वाली चीज इंसान एक ही दफा देख सकता है। आई थिंक कुछ ऐसी चीजें जो एक दफा देख सकते फिर नहीं देख। मैंने भी यही बोला था, लेकिन मौत तो वो तो फिर बात खत्म हो जाती है। नहीं, बात खत्म नहीं होती, रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ऐसा क्या हो सकता है? सॉरी, मुझे फिर इसका आंसर नहीं पता, आप बता दे। वैसे मेरा अच्छा, आखिर में आपको बताएंगे। अच्छा ये बता दे कि लड़के ज्यादा बेवफा होते हैं लड़कियां? लड़कियां बेवफा, लड़कियां। What a genuine answer. मेरी देख लें जवाब बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे लड़कियां ज़्यादा बेवफा होती हैं क्योंकि लड़कियों के पास ना ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अच्छा, आए मजे आए। तो आजकल लड़कियों के लड़कों के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन लड़कियां फिर ऑप्शन को यूज करना जानती है, तो लड़कियां ज्यादा बेवफा होती हैं। ज्यादा ऑप्शन जहाँ पे अगर वफादार हो लड़कियां तो फिर उनसे बेहतर वफादारी भी कोई नहीं कर सकता, जहाँ पे ऑप्शन मिल जाए वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे छक्का मार दो बस। अच्छा ये बताओ, ये फैशन डिजाइन के कुछ स्टूडेंट्स जो लड़के होते हैं, उनकी आदतें लड़कियों जैसे क्यों हो जाती हैं? फैशन डिजाइनिंग के लड़कों की आदतें लड़कियों जैसे हाँ। जा सकती, वो जो हल्के फुल्के थोड़े हाँ, बिल्कुल थोड़े हिल जाते, क्योंकि वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं और लड़कियों को फैशन से एसोसिएट किया जाता है, तो वो चाहते हैं कि वो जरा अच्छे से उसको कैरी कर सके, तो वो लड़कियों की तरह हो जाते हैं। अच्छा, नेम? तलत महमूद बासी। भाई ने कहा कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, और वो हमारे लिए गाना गाएंगे, तो हमने कहा क्यों ना हम उधर बैठ के इनसे गाना भी सुन ले, तो प्लीज़। जी। कभी जर्द सी कभी दर्द सी जिंदगी बेनाम है, कहीं चाहते हुई मेहरबान हाथ थामे बांधती, एक वो नजर एक वो निगाह, रूह में शामिल इस तरह बन गया बेगाना, एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा। बहुत जबरदस्त फैशन डिजाइन के जो लड़के होते हैं, इनकी आदतें लड़कियों जैसे क्यों हो जाती है? क्योंकि अब देखा जाए ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि इसमें उन्होंने उनका उठना बैठना लड़कियों में होता है, और उन्होंने जो डिज़ाइनिंग करनी होती है वो मैनिक्विंस पे करनी होती है उनके। अब वो एक हमारी अपना एक स्टिग्मा है कि हम उनको कंसिडर करते हैं कि यार वो लड़कियों जैसे हो गए, बट इन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये उनका अपना आर्ट है, ठीक है, जो वो कर सकते हैं ना तो वो कोई नहीं कर सकता, उन्हें ही फैशन बनाना। ओके, उनका कोई एक्टिंग करके देखा हो ना? वो यही करते हैं कि हाँ वो वीक मेरी घर पड़ी है ना, वो मैं ले आऊँगा ज़रूर। अच्छा, टाइम कैसे बताते हैं? टाइम? अच्छा, वो टाइम बताते हैं कि मैंने उस दिन एक फैशन के लड़के से पूछा कि यार ज़रा टाइम बताना, तो कहते हैं
क्या हो गया यार, दिन के 6:45 हो रहे हैं। है कि ये फैशन डिज़ाइन के जो लड़के स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी हरकतें क्यों चेंज हो जाती है लड़कियों जैसे? पहली बात ये है कि गर्ल्स की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, उनके जो है वो गर्ल्स ज़्यादा हैं यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट में। तो वो एक होता है इंसान पे माहौल का बहुत असर होता है, ठीक है, जो इंसान इतने साल जो है गर्ल्स के अंदर रहता है तो वो उसको आदत लग जाती है। लाइक एक साल बाद आप कहते हैं जी चलो जी मैं हल्का सा जो है ना कि वो बेस लगा लूँ, ठीक है, फिर 2 साल गुजरते हैं आपके फैशन डिज़ाइनिंग के, पता कहता है चलें यार खैर है मैं बैगी कपड़े पहनना शुरू कर देता हूँ, फिर बस वही बात आ जाती है कि 4 साल जब बंदा डिग्री लेने के बाद जो अपने दोस्तों से ही मिलेगा तो इस तरह मिलेगा। यार इनका कसूर नहीं होता, इनको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है, एनवायरनमेंट इनको एनवायरनमेंट ऐसा मिला होता ना, लचक लचक लचक। लड़के ज्यादा बेवफा होते हैं लड़कियां? मेरे ख्याल में लड़कियां, लड़के ज्यादा होते हैं बेवफा। मेरा ये ख्याल है कि यार लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो वो किसी टाइम भी किसी चीज़ की तरफ भी कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। ये समझता हूँ कि लड़कियाँ अक्सर बेवफा होती हैं लेकिन जो वफा कर जाए वो आपको कभी नहीं छोड़ती। बात अच्छी की है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो साफ बात है लड़कियाँ होती हैं, लड़के इतने वफादार हैं, ये हिस्ट्री में जाके देखो लड़के लड़के बेवफा होते हैं। अपने मिसाल है ये बेवफा है बेवफा है।